बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद राशिद और आप देख रहे हैं राशिद अपडेट्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर वीडियोस, थैंक्स। नाज़रीन, आज का दिन मुलाज़मीन के लिए इंतहाई खुशी का दिन है। आज वफाकी काबिना ने मुलाज़मीन के दो बड़े अहम मुतालबात की मंजूरी दे दी है। इनमें सबसे पहले डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो कि 25% मंजूर किया गया है और 2017 की बेसिक पे पर दिया जाएगा। इसका इतलाक 1 मार्च 2021 से होगा। मस्कुरा अलाउंस नए बजट में बुनियादी तनख्वाह का हिस्सा बना दिया जाएगा और नए पे स्केल जारी किए जाएंगे। नाज़रीन, सरकारी मुलाज़मीन का दूसरा अहम मुतालबा ग्रेड 1 से 16 के मुलाज़मीन की अपग्रेडेशन थी। वफाकी हुकूमत ने ग्रेड 1 से 16 के वफाकी मुलाज़मीन यानी क्लरिकल स्टाफ जिनमें जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, असिस्टेंट्स, हेड क्लर्क और सुपरिटेंडेंट शामिल हैं, इनकी KPK की तर्ज पर अपग्रेडेशन कर दी गई है और इसका इतलाक भी 1 मार्च 2021 से होगा। वफाकी सरकारी मुलाज़मीन ग्रेड 1 से 16 के क्लरिकल स्टाफ की KPK की तर्ज पर अपग्रेडेशन कर दी गई है। ये वफाकी सरकारी मुलाज़मीन का बड़ा मुतालबा था। इसका इतलाक 1 मार्च 2021 से होगा। उम्मीद है कि तमाम सूबे भी जल्द वफाक की तरह इकदाम करते हुए सूबाई मुलाज़मीन की बेचैनी भी ख़त्म करेंगे। मज़ीद हुकूमत को चाहिए कि जल्द पेंशनों में भी इजाफा करके पेंशन हजरात की भी परेशानी का खात्मा किया जाए ताकि माशरे से तफरीक का खात्मा हो सके। नाज़रीन, वीद अपडेट्स तक अल्लाह हाफिज़।